आप ये जो भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा पहले की बात करता हूं कि जिस समय ये मुंबई हमला हुआ 14 वर्ष पहले, उसके बाद जांच, पूरा देश एक गुस्से में भी था, आक्रोश में, आंसुओं में, एक खीज थी पूरे देश के मन में। मगर उस समय पर गृह मंत्रालय ने पहले जो फैसला किया था, आपको जानकारी होगी, ये केस जिस तरह से चला वैसा चले ऐसा शायद तैयारी नहीं थी। 12 अलग अलग FIR, 12 अलग अलग मामले चलाए जाए, अगर वैसा होता तो क्या ये केस कभी क्लोज हो पाता? मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा होता तो ये केस क्लोज हो पाता। ये इसको एक साथ एक FIR में जो कन्वर्ट किया गया और उसके बाद जिस प्रकार से इसको चलाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण इसको क्लोज किया जा सका। और मैं हमारी सारी टीम का, लीगल टीम का, पुलिस का भी और सेंट्रल एजेंसीज का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान के षड्यंत्र को एक्सपोज कर पाए, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान हाथ खींच लेता था, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के षड्यंत्र को पूरे तरीके से एक्सपोज कर पाए और दुनिया के सामने आया कि ये षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा था।